अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद नास। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता। ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पाव किलो कीमा ली हूँ, ये मैंने मशीन का कीमा ली हूँ, इससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। 3 बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने ग्राइंडर में पीस ली हूँ 1/2 कप पानी ऐड करके। ये 1/2 कप दही है, 1 कप क्रीम है, 1 कप ऑयल है, ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 नमक है, 3 टेबलस्पून बेसन ली हूँ मैंने, 2 टेबलस्पून चॉप्ड धनिया है, 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स। कीमे के अंदर मैं सब मसाले ऐड कर दूंगी, रेड चिल्ली फ्लेक्स, सॉल्ट, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर हम ग्रेवी में ऐड नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लियो, तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, बेसन का आटा ऐड कर दूंगी, और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से लग जाए। इसको हमने मसाले में ऐसे मिक्स करना है जिससे अंदर तले के हमारा मसाला लग जाए। ये देखिए, मेरे कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी अच्छी तरीके से निकाल के हम कीमे में मसाले ऐड करेंगे। अभी कीमे के मैरिनेशन को मैं 1/2 घंटे तक के रख दूंगी, जब तक हम हमारी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस ऑन कर रही हूँ, ये मैं 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी इसमें, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। कांदे का पेस्ट, यहाँ पर हमारा कांदा और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, ये मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर ग्रेवी को मैंने 1/2 कुक कर दी हूँ, ये देखिए, इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, थोड़ी चॉप धनिया ऐड कर दूंगी,
ग्रेवी को अभी हमने हाफ कुक ही करना है। जब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे तब उसको फुल कुक करना है। अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी और चलिए कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। कीमे और मसाले को मैरिनेट करके रख दी थी। अभी इसके मैं बॉल बनाऊंगी। आप कोई भी साइज़ की बॉल बना सकते हैं, जैसा आपको साइज़ चाहिए। मीडियम साइज़ के बॉल बनाऊंगी। अगर ये बैटर आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप हल्का सा ऑयल या पानी हाथ में लेके इसको बना सकते हो। वैसे तो मेरे हाथ में नहीं चिपक रहा है, देखिए। ये देखिए मेरे कीमे के बॉल रेडी है। अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी। तो चल, पर मैंने एक फ्राई पैन ले ली हूँ और ये जो हमने हाफ कप ऑयल बचाए थे ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, कोफ्ते फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर हमारे कोफ्ते फ्राई होके रेडी है। अभी हम ग्रेवी रेडी कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस लो कर दी हूँ। एक कप पानी ऐड कर दूंगी। क्रीम ली थी, अब मैं इसमें थोड़ा हाफ कप ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें क्रीम हाफ कप से ज़्यादा ऐड कर चुकी है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने कोफ्ते ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पका लूंगी मीडियम गैस पे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 मिनट तक की ग्रेवी को पका ली हूँ और ये देखिए ये ग्रेवी को मैंने बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाई हूँ। अगर हमको मिक्स करना है ना तो ऐसा मिक्स करना है, इसको ऐसा नहीं हिलाना है, नहीं तो हमारे कोफ्ते इसमें टूट जाएंगे। देखिए क्या गजब का कलर आया है इसमें। मैं अभी गैस ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ हमारा मलाई कोफ्ता बनकर रेडी है। इसमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता बनकर रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।